शराफत और विकास जन जन का विश्वास, इसी नारे के साथ आज दीपेंद्र हुड्डा गीता भुक्कल के लिए वोट मांगने के लिए मातनेल में पधार रहे हैं। हम खड़े हैं मंडी ग्राउंड में, यहाँ पे हेलीपैड बनाया गया है। दीपेंद्र हुड्डा आज हेलीकॉप्टर के द्वारा चुनावी रैलियों का दौरा करेंगे। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों पर पहुँचा जाए, और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर रैली स्थल है जहाँ पर वो कार के द्वारा पहुँचेंगे। यहाँ पे भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, लोग ट्रैक्टर और बाइक पे सवार होकर उनको लेके जाएंगे यहाँ से। अभी देखते हैं रैली में कितनी भीड़ जुट पाती है और कितनी नहीं। झज्जर हल्के से कांग्रेस प्रत्याशी गीता भुक्कल के चुनाव प्रचार के लिए आज स्टार प्रचारक के तौर पर रोहतक के पूर्व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। आज उन्होंने चॉपर का इस्तेमाल किया। चॉपर का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि उनका बहुत ही शेड्यूल टाइट था और चुनावी रैलियां काफी करनी थी, क्योंकि 19 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, इसलिए सभी नेता ज्यादा से ज्यादा रैली कर वोटों की अपील करना चाहते हैं। आज इसी कड़ी में मातनहेल में रोहतक के पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा गीता भुक्कल के चुनाव प्रचार के लिए आए। उन्हें लेने के लिए सैकड़ों ट्रैक्टर बाइक सवार अपने सांसद को ढोल नगाड़ों के साथ लेने पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा अपनी गाड़ी में से बाहर निकलकर सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और रैली स्थल पर पहुंचे। वहां पर हुजूम देखते ही बनता था, मानो जनाब कोई स्टार प्रचारक ना हो बल्कि कोई सेलिब्रिटी या फिल्मी हस्ती मैदान में आई हो। मैदान पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था और गीता भुक्कल और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब पहुंचे तो लोगों ने हुड्डा सरकार जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारों से पूरा मातनहेल गुंजायमान कर दिया। हर एक युवा, हर एक बुजुर्ग, हर एक माता, सभी अपने लाडले का दीदार करना चाहते थे। दीपेंद्र ने भी किसी को निराश नहीं किया, सभी से आशीर्वाद लिया, सभी से हाथ मिलाया और अभिवादन स्वीकार किया। उसके बाद संबोधन की बारी आई तो गीता भुक्कल ने बताया कि हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कैसे दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे लोकतंत्र का मखौल उड़ाया। अब बारी है, हमें उनका बदला लेना है और आगामी 21 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में वोट करके दीपेंद्र सिंह हुड्डा से जो पक्षपात किया है उसका हम बदला लें। कांग्रेस पार्टी को दोबारा से हरियाणा की सत्ता में आसित करें और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तीसरी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाए। अच्छे से उतर चुकी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को 75 पार नहीं सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। मैं आपको ये आश्वासन देती हूँ कि आपके सहयोग और आशीर्वाद और समर्थन से हमारी यहाँ पर कांग्रेस की सरकार तीसरी बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बनेगी। बुजुर्गों का मान सम्मान की पेंशन 5100 होगी। हमारा जो माताओं बहनों की बुजुर्गों की पेंशन 5100 होगी। विकलांगों को 100% विकलांग को 10,000 मिलेंगे। माताओं बहनों की बस में मुफ्त यात्रा होगी। किसानों का कर्जा पहली कलम से करने का बात करेंगे। और भी घोषणाएं हमारी कांग्रेस पार्टी की है। मैं अभी भी शब्दों के साथ हमारे बीच में बहुत सारे साथी जो कि पहले कांग्रेस में थे या बीजेपी में थे या लोक दल में थे, रास्ता भटक गए थे, आज भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में हमारे झज्जर के पूर्व विधायक, हमारे बड़े भाई हरिराम वाल्मीकि जी आए हैं। उन्हें उनकी कांग्रेस में भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के सामने घर वापसी है। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो आए और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे भाई हरिराम वाल्मीकि जी को कांग्रेस ज्वाइन कराए और आपके नेतृत्व में बहुत सारे लोग कांग्रेस को ज्वाइन करने के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई है। मैं इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हुए कि हमने जो लोकसभा का चुनाव में गलती की थी, हमारे पास वोट तो था, मैनेजमेंट नहीं थी, हमने इस चीज की कमी को पूरा करना है। हमने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल सत्ता वापसी के लिए करना है, इस एरिया की चौधर के लिए करना है। इन्हीं शब्दों के साथ भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत अभिनंदन करती। उसके बाद बारी आई यहाँ के सेलिब्रिटी माने जाने वाले दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। जैसे ही उन्होंने माइक संभाला तो जोश देखते ही बनता था। युवाओं ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद के नारों से पूरा मातनहेल फिर से गुंजायमान कर दिया। संबोधन की बारी आई तो उन्होंने भी बताया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रजातंत्र का दुरुपयोग कर मुझे जबरदस्ती हराया है। 541 सीटों की गिनती तो शाम तक पूरी हो गई थी, लेकिन आपके रोहतक की ही सीट ऐसी
थी, जिसका रिजल्ट सुबह 4 बजे आया। आप सब जानते हैं कि सुबह 4 बजे क्यों आया। सूबे के मुख्यमंत्री हों या प्रशासनिक अधिकारी हों या मंत्री हों, सभी वहां रोहतक में आकर ठहर गए और मुझे हराने की कोशिश करने लगे। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले ही मुझे दिल्ली में बेस्ट सांसद का अवार्ड से मुझे नवाजा गया और उसके बाद मुझे हराने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी इकट्ठी हो गई। अब बदला लेने का समय आ गया है और यहां से गीता भुक्कल को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताकर उन्हें विधानसभा भेजे। जब आप विधानसभा उन्हें भेजेंगे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। आपके जो रुके हुए विकास कार्य हैं, उन्हें फिर से पटरी पर लौटाया जाएगा। 24 तारीख को आपके आशीर्वाद से, बड़े बहुमत से, जिनको आप यहाँ से हुड्डा साहब के पास चंडीगढ़ भेजोगे और 27 को उनके साथ पहली कतार में शपथ लेने का जो काम करेंगे, हमारी बहन गीता भुक्कल जी हमारे बीच में, हमारे भाई जो अपने गांव के ही बेटे, जो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की हमारी सरकार है उसमें रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, उनका हम बहुत स्वागत करते हैं। और वैसे स्वागत का क्या, उनका अपना गांव है, वो आज विशेष तौर पे आए हैं, उन्होंने हमारा नाम बहुत रोशन किया छत्तीसगढ़ जैसी जगह, और रेवेन्यू मिनिस्टर है वहाँ पे, हरियाणा के बहुत लोग जाके खेती करते हैं। जयसिंह जी, हमारे जयसिंह अग्रवाल जी, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे बहुत लोग हरियाणा खेती करते हैं, हमारा वहाँ मातन हेल वालों का वहाँ पे आप अलग से एक फार्म बनवाओ जो है, ताकि हम वहाँ जाएँ, मैं भी आऊँ, तो वहाँ पे अलग वहाँ पे जो है, क्योंकि आप रेवेन्यू मिनिस्टर हो छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ बड़ी अच्छी खेती है, हम भी वहाँ जाएँ देख के आएँ। सभी हमारे भाई जो परिवार के सदस्य थे, बीच में बीजेपी वालों ने भगा लिया था, क्योंकि वो भगा लेती है बीजेपी, मगर उसके बाद इन्होंने अपनी आत्मा की आवाज पे आज वापसी घर वापसी करी है, हमारे भाई हरिराम वाल्मीकि जी हमारे विधायक, और मैं विश्वास दिलाता हूँ हरिराम जी को कि ये उनका परिवार है, ये उनका घर है। हमें पता है कि लोकसभा इलेक्शन में किस तरीके से बीजेपी ने हर तरीके से उनका, बीजेपी का निशाना मैं था, आप नहीं थे, इसीलिए बीजेपी ने हर तरीके के सबको कि भाई रनोबंदी ये सारी चीज़ करी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आज आप वापस आए हो, आपका पूरा मान सम्मान एक परिवार के सदस्य की तरह हम हमेशा करेंगे। मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा क्योंकि टाइम की पाबंदी है, जो है अभी जो हेलीकॉप्टर दो तीन जगह यहाँ से बिरदाना से माचोली जो है कई जगह के प्रोग्राम अभी बचे हैं, हेलीकॉप्टर 5 बजे तक चलता है, तो ज़्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता। ये चुनाव आपको 21 तारीख को फैसला करना है हरियाणा के अगले 5 साल का। आपने देखा ये खट्टर सरकार, बीजेपी की सरकार, लोगों ने आशाओं के साथ बनाई थी, इस खट्टर सरकार ने कितना नुकसान किया हरियाणा का, आपसे छुपा हुआ नहीं। जो हरियाणा विकास में नंबर एक था, निवेश में नंबर एक था, कहीं अस्पताल बन रहे थे तो कहीं स्कूल बन रहे थे, कहीं कॉलेज बन रहे थे तो कहीं बड़े बड़े कारखाने, थर्मल जैसे कारखाने पूरे हरियाणा के अंदर लग रहे थे और विकास की तरफ आगे बढ़ रहे थे। विकास दर में, निवेश दर में हरियाणा नंबर एक था 2013-14। फिर ये सरकार बनी, 5 साल में इस सरकार ने विकास में जो हरियाणा नंबर एक था उसको, बेरोजगारी में नंबर एक, 28% बेरोजगारी के साथ बेरोजगारी में नंबर एक हरियाणा बनाने का काम किया। ये खट्टर सरकार नहीं है, ये खटारा सरकार है, और इसमें खटारा सरकार ने हरियाणा में बहुत नुकसान किया, हमारे इलाके का बहुत नुकसान किया, पूरे प्रदेश का बहुत नुकसान किया। 21 तारीख को इनका हिसाब किताब कर देना, ये मैं आज आपके बीच में कहने आ रहा हूँ। दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, लंबा भाषण नहीं दूंगा, पॉइंट पे आता हूँ। लोकसभा का इलेक्शन आपने देखा, लोकसभा के इलेक्शन में इन्होंने मेरे को निशाने पे दिया, जिस बीजेपी ने दिल्ली में मुझे सर्वश्रेष्ठ सांसद का खिताब दिया, उन्होंने अगले दिन
सारी सरकार लगा दी कि उसी संसद में दीपेंद्र को पहुंचने से कैसा रोका जाए। शाम नाम धन भेद हर चीज का प्रयोग किया। रोहतक के एक के बाद एक बूथ में सारी वोट डलवाते हुए पकड़े गए, मुकदमा दर्ज हुआ। तो बादली के एक मंत्री, उनके सुपुत्र बादली के गांव गांव में जाके पैसे बांटते हुए पकड़े गए, आपके सामने आया। गिनती हुई, जिस पूरे देश की गिनती का नतीजा शाम को 3 और 4 बजे डिक्लेयर हो गया। 542 में से 541 सीट के नतीजे शाम को 4 बजे तक आ गए थे। मगर रोहतक का नतीजा आपने देखा, अगले दिन सुबह 4-5 बजे सारी रात गिनती चली, ईवीएम की गिनती थी। आज के दिन इतनी लंबी गिनती आप भी समझ सकते हो, क्या बना होगा क्या नहीं बना होगा, या तो इनकी आत्मा जानती है या मेरी आत्मा जानती है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई, मेरे को निशाना जरूर बनाया था, मगर मैं निशाना नहीं था। दीपेंद्र तो बहाना था, आपकी पगड़ी निशाना था। ये राज दोबारा आपके ना आ जाए, वो इनका असली निशाना था। और मैं ये आपको बता सकता हूँ, मैं एक एक कोने में प्रदेश के होके आया हूँ। आज भी अभी सुबह नारमौल से महेंद्रगढ़ से जोजू बाड़ा हल्का, वहाँ से कोसली हल्का, आज भी चौथा हल्का है। मैं एक एक के कोने में मैं होके आया हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ, आप भी महसूस करते होंगे, ये तो पूरी हवा घूम चुकी है। आपके पक्ष में हवा, हरियाणा में आपके पक्ष में हवा चल रही। सीआईडी हरियाणा की एक रिपोर्ट बनाती है, हर रोज मुख्यमंत्री जी को देती है कि कितनी सीटों पे कौन सी पार्टी मुकाबले में, कौन आगे कौन पीछे। प्रेस के साथ ही बैठे हैं, नोट करें, उनसे पूछ लें, क्योंकि एक जब मुख्यमंत्री की मेज पर रिपोर्ट जाती है उसकी एक फोटो कॉपी हमारे पास भी आ जाती है। वो सीआईडी वाले हमारे टाइम की भर्ती की ओर पूछ लें एक रिपोर्ट। तो भाई, एक महीने पहले जो रिपोर्ट आती थी उसको देख के लगता था कि बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मगर भाई पिछले 3 दिन की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को देख के मेरे को नहीं लगता खट्टर साहब की नींद आई होगी, और भाई ने मारा तो जी सा रहा है। तो ये एक बदलाव, क्योंकि एक ऐसी सरकार जिसने हरियाणा में नुकसान किया, विकास की पहिए को रोकने का काम किया, भाई भाई को भाई से लड़ाने का काम किया, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भाई को भाई से लड़ाने का काम किया, ऐसी सरकार, लोगों ने मन बना लिया कि सरकार को हरियाणा की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का लोगों ने मन बना लिया। अपनी सरकार आएगी, इनके अहंकार को तोड़ने का काम करेंगे। इन्होंने दो काम किए, तो अच्छा काम तो किया नहीं, बिगाड़ किया और अहंकार किया। और इतना अहंकार, नारा दे दिया 75 पार भी कर दिया साकार, पेट्रोल हो गया 75 पार, गंठा प्याज जा लिया 75 पार, टमाटर भी हो लिया 75 पार, ट्रकी काली बैठी है, आलू भी लग गया, आलू भी जाएगा 75 पार, 80 SDO की भर्ती आई, मेरिट पे SDO लगे, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, हरियाणा के अफसरों ने इंटरव्यू लिया, हजारों बच्चे इंटरव्यू हरियाणा के लेके आए, और 80 SDO में से हरियाणा कितने पाए, 2, और गुजरात के कितने पाए, 75 पार, 78 बाहर के लग गए, 78 वो नंबर भी 75 पार। 10 साल अपनी सरकार रही, कभी आपस में कभी भाईचारे पे आँच नहीं आई, अमन चैन शांति हरियाणा में किसी कोने में कहीं पुलिस की लाठी चार्ज की जरूरत भी 10 साल नहीं हुई, कहीं कहीं गोली चलाने की आवश्यकता, कोई फायरिंग का इंसिडेंट नहीं हुआ, आपस में अमन चैन शांति, कोई आंदोलन भी हुआ तो उसको मिल बैठ के उसका समाधान निकाला गया। इनकी सरकार में 5 साल में 3 बार हरियाणा जला, पुलिस बुलानी पड़ी, फौज बुलानी पड़ी, 81 लोगों को धनाधन गोलियां चली, 81 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं पूछना चाहता हूं, आजाद हिंदुस्तान में किस सरकार में किस मुख्यमंत्री, किसी पार्टी के रहे हो, कोई मुख्यमंत्री रहा हो, आजाद हिंदुस्तान में किस प्रदेश में किस मुख्यमंत्री की सरकार में 81 लोगों को जाने पुलिस की फौज की गोली से गंवानी पड़ी थी।
आजाद हिंदुस्तान से पहले जलियांवाला बाग में जरूर फौज की गोलियां तनातन चली, मगर हमने देखा हमारे हरियाणा में ऐसे नजारे इन्होंने दिखाए। 3 अलग अलग वाक्यों में 81 लोगों को फौज की गोली से जाना पड़ा, आज उनका कोई जिक्र नहीं। आप अगर वो भी कहीं के थे, किसी के भाई किसी के बेटे थे, वो नंबर भी है 75 पार, वो नंबर भी है 75 पार। तो भाई अहंकार हो गया इनका, सातवें आसमान पार फरसा लेकर मुख्यमंत्री जी ने हमारे ब्राह्मण समाज का किया है तिरस्कार। 600 साल पुराना संत गुरु रविदास जी का मंदिर दिल्ली में तोड़कर हमारे ऐसी भाइयों का और हम सब का वहां किया है तिरस्कार। मंदी की हो गई इतनी मार, बेरोजगारी हो गई रिकॉर्ड पर 28% बेरोजगारी, देखना चाहता बेरोजगारी हो गई रिकॉर्ड पर। हरियाणा के भाईचारे को किया तार तार, ईद के ने मौका है इनने भेजो जमुना पार, फिर बनाओ अपनी सरकार। दोबारा से विकास के रास्ते पे बुलंदी पे जा सके, मैं तो आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूँ। मुझे पता है गीता जी ने, गीता जी गांव की बेटी हैं, इन्होंने आपका और हमारा बहुत नाम रोशन किया है। और जो फैसला किया ये कलायत से थी, वहाँ भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। कलायत वाले कहते थे कि भाई इनको यहाँ से आप मत लेके जाओ, मगर क्योंकि वो गांव मातन हिल की बेटी थी, इसीलिए उनका साहब और मैंने फैसला किया कि भाई क्योंकि आपको पता है कि सांगी मेरी जन्मभूमि सांगी हो सकती है, मगर बचपन से लेकर आज तक अगर मेरी कर्म भूमि है तो गांव मातन हिल मेरी कर्म भूमि है, आपको पता। इसीलिए फैसला किया कि गीता जी यहाँ से जो है यहाँ से आए और इस पूरे हमारे इलाके में अच्छी तरीके से सबको सबका मान सम्मान करके इस इलाके की सेवा करें। इन्होंने बड़ी अच्छी काबिलियत से आपका नाम रोशन किया और आज जो है मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई सबका मान सम्मान उठा, कहीं कोई कमी कसर इनसे या मेरे से रही हो तो भाई आज जो है आगे आने वाले समय में जो भी कहीं कोई कमी कसर रह भी गई होगी तो भाई गति तोड़ कर देंगे, कोई कमी कसर नहीं होगी। साल के बाद राज आया था, ये मौका राज दोबारा बनाने का मौका है। हवा जो चलगी चारों तरफ आपके पास हवा आती होगी, लोहारू बाड़ा से आती होगी, मंडल नारनौल से आती होगी, सारी तरफ अच्छा माहौल है। मगर अब अपनी जो सीट है, देखो झज्जर की चारों, रोहतक की, सोनीपत की, जो अपनी दो लोकसभा की सीट है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन हुआ मेरे साथ जो हुआ लोकसभा में, आज सब मेरे पास आए, पूरा इलाका आया। डॉक्टर रघुवीर सिंह राजान ने कहा कि दीपेंद्र आप मेरी से इलेक्शन लड़ो, मैं खाली करता हूँ। बादली वालों ने कहा बादली से लड़ो, भादुगढ़ वालों ने कहा भादुगढ़ से लड़ो, सोनीपत वालों ने कहा बड़ौदा या गोहाना से लड़ो। मैं आप भी जानते हो कि लोकसभा में तो इन्होंने घेर घोट के राजनीतिक साजिश रच के इन्होंने जो किया, मगर लोग विधानसभा में ही मेरे को पहुंचने से रोक नहीं सकते थे। मगर मैंने फैसला किया कि कोई एक पद के लिए मैंने जो तपस्या करी है, जो संघर्ष किया है, तो कोई किसी विधायक या सांसद बनने के लिए नहीं, वो इसीलिए कि हमारा इलाका ऊपर जाए, प्रदेश आगे बढ़े, मैं देश के लिए कुछ कर पाऊँ। और वो तब संभव है जब राज आएगा, और राज एक MLA की सीट से नहीं आएगा, राज तब संभव है जब हमारे पूरे एरिया की सारी सीट आए। इसीलिए जब पार्टी ने मेरे को बुलाया तो मैंने कह दिया कि ना मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं जिम्मेदारी लूंगा, मैं रोहतक की, सोनीपत की, लोकसभा की और आसपास की जो ये हमारी 20 सीट है, मैं इनकी जिम्मेदारी लूंगा। मैं एक एक गाँव में अपने कार्यकर्ताओं के पास जाऊंगा और सबसे कहूंगा कि भाई अगर आप दीपेंद्र को ताकत देना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि दीपेंद्र आपके द्वारा लड़ाई लड़े, तो ये एक एक सीट मेरी झोली में डाल दो ताकि मेरी ताकत बने। आप सबसे कहना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने मेरे को कोडेक भी देखा था जब मैं छोटा सा आया था, तब उस समय नई पीढ़ी को तो याद नहीं होगा, और उस समय गांव में भाई रेती भी थी और भाई ऊंट भी थे। ये तब से लेके अब तक आपने मेरे को देखा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मने तुम अपना बालक बच्चा मानते हो कि नहीं मानते? तो भाई मेरे को एक बात बताओ, आप ये चाहते हो कि मैं दोबारा आपकी लड़ाई लड़ूं, चाहते हो?
भाई तो भाई चूकना नहीं। देखो एक बार अपने ठोकर खाई, उसका बहुत नुकसान हुआ। इस बार नहीं चूकना। मैं एक एक वोट की उम्मीद लेके आया हूँ। एक एक वोट आप गीता मुखर्जी के पक्ष में डालना, जिससे गीता मुखर्जी यहाँ से जाकर चंडीगढ़ में आपका नाम रोशन करें, आने वाली सरकार में अपनी काबिलियत से प्रदेश को और आगे लेके जाने में सहयोगी बने। वो एक एक वोट जो आप हाथ के निशान पर डालोगे, वही एक एक वोट चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ताकत देने का काम करेगी, और वही एक एक वोट सारे बेटे दीपेंद्र को दोबारा से जिवाने का काम करेगी। ये आज मैं कहने आ रहा हूँ। तो भाई आप सबका मैं धन्यवाद। और सरकार बनते ही जो इन्होंने मंदी की मार से इतना परेशान कर दिया सबको, सरकार बनते ही हरियाणा में दोबारा से चेहरे पे खुशहाली आए, लाली आए, रंगत आए। सरकार बनते ही ऐसे फैसले लेंगे। सरकार पहला फैसला इस 1 नवंबर से, सरकार बनते ही 55 साल में महिलाओं पर 58 साल से बुढ़ापा पेंशन 5100 देश में सबसे ज्यादा महिला काम करेंगे। कैमरामैन सिकंदर के साथ रमाकांत की रिपोर्ट, हर न्यूज 24।